नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्स एक्सक्लूसिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, यह है हमारी क्लास नंबर 49 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्राइमेट्स। और प्राइमेट्स का एक पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस क्लास के अंदर। वहां पे हमने क्या डिस्कस किया था? प्रोसीमियंस। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंथ्रोपोइडिया। और एंथ्रोपोइडिया के अंदर क्या क्या आते हैं? मंकी, ऐप एंड मैन। आज की क्लास में मंकी और ऐप डिस्कस करेंगे। मैन के लिए एक अलग से सेक्शन है, जिसकी बहुत सारी क्लास होगी, तो वहां पे वो चीज अटेंड करेंगे। ओके, सो लेसन शुरू करने से पहले दो छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लिए, जिनके आंसर आपको कमेंट्स के द्वारा बताने हैं, और लास्ट में मैं आपको उनके सही आंसर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आप फिर उसके बाद अपने जो आंसर है वो मैच कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है थायराइड कार्टिलेज, THYROID, थायराइड कार्टिलेज। ओके, सो इसके बारे में क्या क्वेश्चन है कि जो थायराइड कार्टिलेज है वो मैमल्स में कहाँ प्रेजेंट होता है? पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है पॉलिएस्टरस मैमल हम किसको बोलेंगे? POLYESTROUS, पॉलिएस्टरस मैमल हम किसको बोलेंगे? और इसके एक या दो एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड, एक लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जिसके द्वारा आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस फुल कोर्स के अंदर, BIT.LY/ZOOLOGYREZ। आर बड़ा और बाकी सारे लेटर छोटे रहेंगे। ओके, सो जस्ट क्लिक करके आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है और सबमिट कर देना है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। ओके, सो चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, माई सेल्फ धीरज शर्मा एंड आई एम टीचिंग सिंस मे 2017, एंड दिस इज जियोलॉजी ऑप्शनल कोर्स, एंड आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट दिस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो फ्रेंड, आप सभी जानते हैं कि हमने जब प्राइमेट्स शुरू किया था, प्राइमेट्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्रोसीमियंस और एंथ्रोपोइडिया, है ना। अब जो एंथ्रोपोइडिया है उसके अंदर क्या क्या आते हैं? मंकी, ऐप एंड मैन। हम आज की क्लास में क्या डिस्कस करेंगे? मंकी एंड ऐप। ओके, डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट आपका नहीं छूटने वाला है। ओके, सो मंकी के लिए एक शब्द अगर आपको देना हो तो आप कह सकते हैं कि ये कैसा है? वर्ल्ड वाइड। क्लियर? यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पाया जाता है ना, सभी जगह मिलता है। आप चाहे कहीं भी देख लीजिए, न्यूज़ में आता ही रहता है कि बंदरों ने वहां पे मचाया उत्पात, ऐसा वगैरह कुछ आता रहता है ना। चलिए, सो फ्रेंड, अब मंकीज की दो कैटेगरी अगर आपको बनानी हो तो पहली कैटेगरी क्या होगी? न्यू वर्ल्ड मंकी। क्लियर? दूसरी कैटेगरी ओल्ड हो जाएगी, है ना, ओल्ड वर्ल्ड मंकी। ठीक है, दो कैटेगरी हो गई। अब इसके कुछ करेक्टर्स लिखने हो कि इसके पास क्या क्या चीजें होती हैं, ये कैसा होता है, तो वो चीजें आप क्या कुछ लिखेंगे? क्योंकि यूपीएससी ऐसा नहीं कि आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेगी, और अगर सीधा पूछ भी लिया तो आपको पॉइंट्स में लिखना होगा, जिससे आपको हेल्प मिल सके कि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर जो चेक करने वाले जो सर हैं वो आपको दे, है ना। और एक वेल लेबल्ड डायग्राम भी होना चाहिए। यहाँ पे तो डायग्राम नहीं बनाना है, नहीं तो फिर आधा पेपर आपका डायग्राम बनाने में ही निकल जाएगा, है ना। सो फ्रेंड, आप कह सकते हैं कि जो मंकी है वो डाईयूर्नल है ना, डाई यूरिनल। इसके अलावा आर्बोरल है, ARBOREAL। आर्बोरल भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? टेरेस्ट्रियल भी है। क्लियर? ये दो छोटे छोटे पॉइंट हो गए। फ्रेंड्स, इसके पास टेल होती है? बिल्कुल होती है। ऐसा तो मंकी शायद आपने नहीं देखा होगा कि जिसके पास टेल ना हो, है ना।
एंड फ्रेंड्स जो आई है वो आपने देखी होंगे कि इसकी जो आईज हैं वो फॉरवर्डली प्लेस्ड होती हैं, है ना? क्यों होती है? बिकॉज ऑफ बाइनोकुलर विजन, बाइनोकुलर विजन। ओके, ये इसका एक रीजन है। अब फ्रेंड्स बाइनोकुलर विजन क्यों जरूरी है और फॉरवर्डली आई प्लेस्ड है, इसका रिलेशन तो हो गया, लेकिन अब बाइनोकुलर विजन का कुछ रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल, अभी बताता हूँ। फ्रेंड्स जैसे आप देखते हैं कि एक जो मंकी है यानी कि जो बंदर है वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगा रहा है ना, जस्ट जंप कर रहा है। सो जो जजमेंट है डिस्टेंस का वो इस बाइनोकुलर विजन के द्वारा ही होता है, यानी कि जो फॉरवर्डली प्लेस्ड आई है वो इसको हेल्प करती है एक परफेक्ट जजमेंट में, डिस्टेंस के परफेक्ट जजमेंट में। क्लियर? सो पॉइंट क्या बना के लिखेंगे फ्रेंड्स? फॉरवर्डली प्लेस्ड आई प्रोवाइड देम विद बाइनोकुलर विजन व्हिच इज सो इंपॉर्टेंट इन जजिंग डिस्टेंस व्हाइल जंपिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। ओके, अब एक टर्म है, अब उस टर्म का मीनिंग समझते हैं। क्या है भाई? साइना सेक्रम, SYNSACRUM। सो इस टर्म का मीनिंग क्या है? ये मतलब मीनिंग तो रहने देते हैं, मीनिंग तो मतलब निकल के आ जाएगा, एक डेफिनेशन से निकल के आ जाएगी कि ये बनता कैसे है ना? ये कैसे बनता है? चार से पांच वर्टिब्री, यानी कि चार से पांच वर्टिब्री जो है वो फ्यूज हो जाती हैं और उसके बाद किसकी फॉर्मेशन होती है? सिन सेक्रम। क्लियर? एंड फ्रेंड्स जो इसके डिजिट्स हैं, यानी कि एक टर्म और दे सकते हैं, एक पॉइंट और मेंशन कर सकते हैं, ऑल डिजिट्स बियर नेल्स। क्लियर? एंड इसके पास क्लॉज होते हैं या नहीं? क्लॉज नहीं होंगे। क्लियर? सो ये छोटे छोटे पॉइंट हो गए। अब फ्रेंड्स अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी कितनी स्पीसीज हैं जो हम आज तक खोज पाए हैं, तो उसका डेटा होगा 264। क्लियर? एंड एज यू नो मंकी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, ओल्ड वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड वाला कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका और एशिया में, एंड अनदर वन इज इन साउथ अमेरिका। क्लियर? एंड फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया आर्बोरल भी है और टेरेस्ट्रियल भी है ना? ट्री पे भी रहते हैं और मतलब मोस्टली रहेंगे कहाँ पे? कहाँ पे रहेंगे? ग्राउंड पे और कुछ कुछ ट्रीज पे, मतलब दोनों जगह रहते हैं, ठीक है? आर्बोरल भी है और टेरेस्ट्रियल भी है। एंड फ्रेंड्स जो मंकी का ग्रुप है उसको आप क्या बोलेंगे? ट्राइब कह सकते हैं, ट्रुप कह सकते हैं या फिर मिशन कह सकते हैं। ओके, सो एक स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ मंकी है जिसको आप क्या कहेंगे? पिग्मी मामोसेट, जिसका वजन कितना होगा? 120 to 140 grams। क्लियर? एंड द मेंड्रिल्स इज द लार्जेस्ट टाइप ऑफ मंकी विद अडल्ट मेल वेइंग अप टू द 35 kg, है ना? सो सबसे कम कितना हुआ वेट? 120 से लेके 140 grams और मैक्सिमम 35 kg। क्लियर? सो फ्रेंड कैपुचिन मंकी आर बिलीव टू बी द वन ऑफ द स्मार्टेस्ट न्यू वर्ल्ड मंकी स्पीसीज बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू यूज टूल्स, लर्निंग न्यू स्किल्स एंड शो वेरियस साइन ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। दैट्स वाई वी कॉल देम स्मार्ट, है ना? स्मार्टेस्ट न्यू वर्ल्ड मंकी, है ना? सो फ्रेंड अब जो स्पाइडर मंकी है उसका नाम किस बेसिस पे दिया गया है? स्पाइडर मंकी गेट देयर नेम बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग आर्म, लेग एंड टेल। क्लियर? सो सारे पॉइंट क्लियर हो गए। सो फ्रेंड द मंकी इज द नाइन्थ एनिमल दैट अपियर ऑन द चाइनीज जोडाइक, अपियरिंग ऑन द जोडाइक साइन इन 2016। मंकी के बारे में बेसिक बेसिक क्लियर हो गया, है ना?
अब इसमें से कौन सा न्यू वर्ल्ड मंकी है, कौन सा ओल्ड वर्ल्ड मंकी है, ये दो आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। चलिए जानते हैं कौन कौन से क्या क्या है। ओके, सो फ्रेंड, मंकी के मैंने क्या बताए थे, दो पार्ट, न्यू वर्ल्ड मंकी और ओल्ड वर्ल्ड मंकी। अब ये जो दो इमेज हैं, इनमें से न्यू वर्ल्ड मंकी कौन सा है, ओल्ड वर्ल्ड मंकी कौन सा है? ये तो है न्यू वर्ल्ड और ये है ओल्ड वर्ल्ड। क्लियर। अब फ्रेंड्स, अगर बात करें कुछ बेसिक डिफरेंस की, तो वो आपको साथ साथ पता लगते चले जाएंगे जैसे हम न्यू वर्ल्ड मंकी डिस्कस करेंगे और ओल्ड वर्ल्ड मंकी डिस्कस करेंगे। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन भी हो जाएगा, डिफरेंस भी आपको पता लग जाएगा, और उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो आपको पता लग जाएगा। पहले हम बात करते हैं न्यू वर्ल्ड मंकी की। न्यू वर्ल्ड मंकी का इंफ्रा ऑर्डर क्या होगा? प्लेटिरिना। क्लियर। PLATYRRHINA। क्लियर, फर्स्ट हो गया। उसके बाद आता है ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। ओल्ड वर्ल्ड मंकी का इंफ्रा ऑर्डर क्या होगा? केटारिहिना, CATARRHINA। क्लियर। ये हो गया एक बेसिक। क्लियर। अब आपको इमेज से पता लग रहा होगा कि क्या कुछ डिफरेंस है इनके अंदर, है ना, कि भाई हेड में थोड़ा डिफरेंस है, आईज में थोड़ा डिफरेंस है, और कुछ जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसके होते हैं, ओल्ड वर्ल्ड मंकी के होते हैं और वो न्यू वर्ल्ड मंकी में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए सारी चीजें वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। और मतलब ये आप कह सकते हैं कि मैन से ज्यादा इंटेलिजेंट है, इनके पास कुछ चीजों की कमी है, नहीं तो मतलब मैन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट आप इनको कह सकते हैं। ओके, आपने फिशेज में भी देखा था, है ना, बर्ड्स में भी देखा था कि कितनी इंटेलिजेंसी उनके अंदर है। क्लियर। ये धीरे 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 ओरिजिन होता चला, मतलब इवोल्यूशन होता चला जाएगा और बंदर से जाके लास्ट में क्या बन जाएगा, मैन। ठीक है, वो इवोल्यूशन वाली यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे। क्लियर। सो फ्रेंड, न्यू वर्ल्ड मंकी हैव फ्लैटेंड फेस, राउंडेड नोस्ट्रिल, ब्रूडल नेजल सेप्टम एंड थंब एट्रोफिड्स। क्लियर। एंड दे आर्बोरल एंड हैव ए प्रीहेंसाइल टेल दैट कैन बी यूज्ड एज ए फिफ्थ लेग। चार तो लेग होती ही है, लेकिन जो इनकी जो टेल है वो भी इनके लिए यूजफुल है। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि ये उसके अंदर क्या करते हैं, जैसे स्टोन्स होते हैं, पत्थर जो होते हैं उस वो बाहर मतलब उसमें थोड़ा लपेट के और फेंक देते हैं, है ना, और जंपिंग में भी हेल्प मिलती है जो इनकी टेल है उससे। बहुत सारे फंक्शन है इनकी टेल के भी। एंड फ्रेंड्स, अगर हेड की बात करें, वो कंपेरेटिवली स्मॉल होता है, नैरो होता है और स्मॉल आइज होती है, किसके कंपेरिजन में, ओल्ड वर्ल्ड मंकी से अगर कंपेयर करें तो। सो हेड इज कंपेरेटिवली स्मॉल, नैरो विद स्मॉल आइज। क्लियर। एंड फ्रेंड्स, कुछ जो ओल्ड मंकी के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्या क्या, चेक पाउसेस एंड एशिकल कैलस्टिस, है ना। सो दे आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओल्ड वर्ल्ड मंकी। ठीक है, ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी के करेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो कि एब्सेंट होते हैं किसमें, न्यू वर्ल्ड मंकी में। ओके। एंड फ्रेंड्स, हैंड्स आर यूज्ड एज हुक व्हाइल स्विंगिंग ऑन द ब्रांचेस। आपने ये सारी चीजें देखी होंगी। जो जियोलॉजी है उसको रियल लाइफ से रिलेट करके फिर पढ़ा कीजिएगा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगेगी। ओके, अब बात कर लेते हैं किसकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज की। इनके जो एग्जाम्पल हैं वो आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताऊंगा, उनके कॉमन नेम भी आपको बता दूंगा, है ना। ओल्ड वर्ल्ड मंकी के क्या कुछ फीचर हैं, क्या कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फ्रेंड, द ओल्ड वर्ल्ड मंकी, यू कैन से इसके अंदर जो नेजल सेप्टम है वो नैरो होता है। क्लियर। नेजल सेप्टम इज नैरो सो दैट नेजल ओपनिंग आर क्लोज टुगेदर एंड पॉइंट डाउनवर्ड। आपको दिखाई दे रहा है ना,
और इसके अंदर मतलब ये थोड़ा सा ह्यूमन बीइंग जैसा लग रहा है न्यू वर्ल्ड मंकी, और ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि चिंपेंजी से रिलेट कर सकते हैं, है ना। चिंपेंजी हो गया, गोरिल्ला हो गया, वो हम डिस्कस करेंगे ऐप के अंदर, क्लियर। सो फ्रेंड दे आर बोथ आर्बोरल एंड टेरेस्ट्रियल एंड हेंस डू नॉट हैव प्रीहेंसाइल टेल, क्लियर। प्रीहेंसाइल टेल नहीं है, टेल तो है लेकिन प्रीहेंसाइल नहीं है। अब क्या फर्क है इसके अंदर, है ना, जरा बताइए कमेंट्स के द्वारा। सो फ्रेंड दे हैव चिक पाउसेस इन विच दे कैन स्टोर सरप्लस फूड, जो कि न्यू वर्ल्ड मंकी के पास ऐसा कुछ फीचर नहीं है, क्लियर, ये हम बता चुके हैं पहले। एंड जो एशिकल कैलस्टिस जो है ये क्या करेगी, विच आर यूज एज कॉशन वेन सिटिंग ऑन द रॉक्स एंड ब्रांचेस मे बी प्रेजेंट इन सम एंड एबसेंट इन द अदर। मतलब जरूरी नहीं है कि ये सभी के अंदर प्रेजेंट हो, है ना, लेकिन आप इसको एक एक्सक्लूसिव फीचर कह सकते हैं इसका, किसका, ओल्ड वर्ल्ड मंकी का, जो कि न्यू वर्ल्ड मंकी के पास नहीं है। सो दोनों का कंपैरिजन अब पढ़ लिया, है ना, किसी के अंदर कोई चीज अलग है, अगर उसके अंदर कोई ऐसा फीचर है तो दूसरे के अंदर वो नहीं है ना। वहां पे क्या है, हेड छोटा है और ओल्ड मंकी का हेड बड़ा है ना। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली यहाँ पे। चलिए अब इनके जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा सा जान लेते हैं, और साथ साथ में उनके जो कॉमन नेम है वो भी मैं आपको बताता हूँ, है ना, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप उनको अच्छे से और इजीली याद कर पाए। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सारे हैं न्यू वर्ल्ड मंकी, क्लियर, न्यू वर्ल्ड, और ये है ओल्ड वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड, क्लियर। चलिए फ्रेंड्स, पहला नेम आता है अपने पास एटिलिस जियोफोरी, ठीक है। सो एटिलिस जियोफोरी का कॉमन नेम क्या होगा, स्पाइडर मंकी, ठीक है, MONKEY। अब मंकी को मैं एम से डिनोट करता हुआ चलूंगा, बाकी मैंने यहां पे लिख दिया है, ठीक है। सो सेकंड है एलोइटा सेनिक्युलस। एलोइटा सेनिक्युलस का जो कॉमन नेम है वो होगा हाउलर मंकी, HOWLER, हॉलर, ठीक है, हॉलर M कर लेते हैं। थर्ड है शाइमेरी शायूरियस। सो शाइमेरी शायूरियस का कॉमन नेम होगा स्क्वेरल मंकी, SQUIRREL, स्क्वेरल मंकी, क्लियर। एंड नेक्स्ट वन इज लियोन्टो पिथिकस रोजेलिया। लियोन्टो पिथिकस रोजेलिया का कॉमन नेम होगा यू कैन से गोल्डन लायन, ठीक है, GOLDEN LION, गोल्डन लायन मंकी, ठीक है। गोल्डन लायन मंकी तो नहीं कहेंगे इसको, आप कह सकते हैं गोल्डन लायन टैमरीन, ठीक है, TAMARIN, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है कैलिथ्रिक्स जैकस। सो कैलिथ्रिक्स जैकस का जो कॉमन नेम है वो होगा मामोसेट मंकी, MARMOSET, मामोसेट मंकी। नेक्स्ट वन इज लेगोथ्रिक्स फेविकोडा। सो लेगोथ्रिक्स फेविकोडा हो गया वूली मंकी, WOLLY, वूली मंकी। एंड नेक्स्ट हो गया अर्टस ट्रिविगेटस। अर्टस ट्रिविगेटस को आप याद रख सकते हैं नाइट मंकी से, NIGSTM, नाइट मंकी। एंड सेकेंड लास्ट है अपने पास काकाजाओ कैल्वस। सो काकाजाओ कैल्वस का कॉमन नेम है रेड युकारी, ठीक है,
आर ई डी यू ए के ए आर आई। और इसका कॉमन नेम क्या होगा? पिथिका पिथिका। पिथिका पिथिका हो गया व्हाइट फेस्ड साकी, ठीक है, डब्ल्यू एच आई टी ई व्हाइट फेस्ड साकी। क्लियर। सो ये हो गए आपके पास न्यू वर्ल्ड मंकी। अब बात करते हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकी की, और ओल्ड वर्ल्ड मंकी का इंफ्रा ऑर्डर क्या था? कैटारिना। न्यू वर्ल्ड का क्या था बताएगा कोई? न्यू वर्ल्ड का प्लेटिरिना, ठीक है, यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। सो यहां पे आता है अपने पास पहला मकाका मुलाटा, ठीक है। सो मकाका मुलाटा का कॉमन नेम क्या है? रेशस मंकी, है ना, ये सबसे कॉमन है, आर एच ई एस यू एस रेशस एम ओ एन के ई वाई। अब मंकी को मैं एम से डिनोट करता हुआ चलूंगा, ठीक है, और मकाका को यहां पे एम से डिनोट कर दिया, मकाका रेडिएटा। सो मकाका रेडिएटा का कॉमन नेम बोनट, बी ओ डबल एन ई टी, बोनट मंकी। क्लियर। नेक्स्ट मकाका फुशकाटा। मकाका फुशकाटा को आप कह सकते हैं जैपनीज स्नो मंकी, जे ए पी ए एन ई एस ई एस, जैपनीज स्नो एस एन ओ डब्ल्यू मंकी। क्लियर। एंड नेक्स्ट वन इज मकाका नेमिस्ट्रीना। सो मकाका नेमिस्ट्रीना का नेम होगा पिग टेल्ड मंकी, पी आई जी टी ए आई एल ई डी, पिग टेल्ड मंकी। नेक्स्ट है मकाका आर्क्टोइडिस, ठीक है, सो इसको आप कह सकते हैं स्टम्प्ड टेल्ड, एस टी यू एम पी ई डी, स्टम्प्ड टेल्ड, स्टम्प टेल्ड मंकी। एंड नेक्स्ट आता है मकाका फेसिकुलरिस। सो मकाका फेसिकुलरिस हो गया क्रैब ईटिंग मंकी, सी आर ए बी ई ए टी आई एन जी, क्रैब ईटिंग मंकी। एम सॉरी मकाका सिलेनस। सो मकाका सिलेनस हो गया लायन टेल्ड, एल आई ओ एन टी ए आई एल ई डी, लायन टेल्ड मंकी। क्लियर। अब आता है अपने पास नेक्स्ट प्रेशबाइट एंटिलस। सो प्रेशबाइट एंटिलस आप कह सकते हैं हनुमान जी से रिलेट कीजिए इसको, है ना, हनुमान लंगूर, एच ए एन यू एम ए एन, हनुमान एल ए एन जी यू आर। क्लियर हो गया, रिलेट कर लिया ना। चलिए अब आता है प्रेश बाइट्स को हम पी से डिनोट कर लेते हैं, और जॉनी। सो ये हो गया अपने पास कौन सा? नीलगिरी लंगूर, ठीक है, एन आई एल जी आई आर आई एल ए एन जी यू आर। क्लियर। प्रेश बाइट गी। सो प्रेश बाइट गी गोल्डन लंगूर हो गया, जी ओ एल डी ई एन एल ए एन जी यू आर। क्लियर। अब आता है नेजलिस लार्वेटस। सो नेजलिस लार्वेटस का कॉमन नेम आप कह सकते हैं प्रोबोसिस मंकी, ठीक है, पी आर ओ बी ओ एस सी आई एस मंकी। क्लियर। नेक्स्ट आता है पेपियो हेमड्रेस। सो पेपियो हेमड्रेस का कॉमन नेम हो जाएगा हमदरिया बेबून, लिख लीजिए एच ए एम डी आर वाई ए बी ए डबल बी ओ एन। क्लियर। अब आता है पेपियो स्फिंक्स। सो पेपियो स्फिंक्स को आप मैंड्रिल कह सकते हैं, एम ए एन डी आर आई डबल एल। नेक्स्ट पेपियो एनुबिस। पेपियो एनुबिस का कॉमन नेम क्या हो गया? सवाना बेबून, एस ए वी ए डबल एन ए बी ए बी डबल ओ एन। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट थीरोपेथिकस गिलाडा।
ठीक है, थीरोपैथिकस गिलाडा, इसको आप कह सकते हैं गिलाडा बेबून, GELADABABOON, क्लियर। सो फ्रेंड ये हो गए कुछ स्पीसीज ओल्ड वर्ल्ड मंकी की और कुछ स्पीसीज न्यू वर्ल्ड मंकी की, है ना। सो कोई डाउट तो नहीं है, है ना। और इनमें से आपको ज्यादा नहीं, न्यू वर्ल्ड मंकी में से 5 याद रख लेना कोई भी, और ओल्ड वर्ल्ड मंकी में से भी कोई 5 या 6 याद रख लेना कोई भी, है ना। आपको बहुत सारे कॉमन नेम मिल जाएंगे, मतलब ऐसे नेम मिल जाएंगे जो बिल्कुल मिलते जुलते हैं, जैसे कि हमद्रिया बबून है, सवाना है, और ग्लेडा बबून है, ये सारे एकदम मिलते जुलते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मंकी कंप्लीट है ना। तो अब क्या होगा अपने पास, अब क्या कुछ डिस्कस करें, ऐप का डिस्कस करते हैं ना, द ऐप। सो चलिए फ्रेंड्स, द ऐप के बारे में अगर बात करें, सो ये कोई मूवी नहीं है, है ना। वैसे आप अगर कहीं टाइप करते हैं द ऐप तो आपको मूवी भी दिखा देंगे, है ना। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इसके फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसमें ऐप के अंदर कौन कौन सी जो आप कह सकते हैं कि स्पीसीज है जो हम डिस्कस करेंगे, वो भी यहाँ पे मेंशन है। जैसे कि गिबन्स डिस्कस करेंगे, ऑरेंग्यूटन डिस्कस करेंगे, गोरिल्ला डिस्कस करेंगे, चिम्पेंजी और बोनोबो। सो चिम्पेंजी तो एक कॉमन चिम्पेंजी हो गया, और बोनोबो जो है वो ड्वार्फ चिम्पेंजी है, ठीक है। दोनों को एक ही सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं हम, ओके फ्रेंड्स। हम पढ़ते आ रहे हैं कि मतलब कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मैन से रिलेट होते आ रहे हैं, जैसे जैसे हम मंकी और मतलब मैमल्स की तरफ आए हैं, है ना। चाहे वो फिशेस हो, चाहे मतलब बर्ड्स हो, है ना, उनके थोड़े 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 करेक्टर करके और एक मतलब इवोल्यूशन आ गया। मंकी से फिर ऐप आता है, ऐप के अंदर गोरिल्ला, चिंपेंजी, ये वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद क्या आएगा, मैन। तो मतलब आप ऐप को क्या कह सकते हैं, इट इज द क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव कह सकते हैं, है ना। सो अब मैं ये किस बेसिस पे कह रहा हूं, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग का जो डीएनए है, है ना, और ये जो ऐप है और जो मंकी है, मतलब अगर बात करें तो 98% सेम है, ठीक है। 90% जो डीएनए है वो किसके साथ अगर मैच करते हैं तो सेम होता है, चिम्पेंजी के साथ, ठीक है, ChimpanzeeWU, क्लियर। क्योंकि चिम्पेंजी ही है जो लास्ट है ऐप के अंदर, क्लियर, इज इट क्लियर, है ना। चलिए सो 5 चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे आज, है ना। और इसका साइज आप कह सकते हैं कि कितना, 4.5 से लेके 5.5 फीट होता है, क्लियर, है ना। चलिए बहुत अच्छा है। अगर वेट की बात करें, सो वेट जनरली होगा इसका कितना, जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा सा इसको फिर से लिख लेते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ना, 4.5 से 5.5। सो वेट की बात कर रहे थे, वेट होता है 91 से लेके 204 केजी, क्लियर, ये बेसिक हो गया। फ्रेंड्स ये रहता कहाँ पे है, मोस्टली जंगल में, है ना। और बहुत बार होता है कि मतलब कहीं शहर में भी दिख जाते हैं, आपने मूवी में तो देखे ही होंगे, है ना, गोरिल्ला देखा होगा शायद, धमाल का पता नहीं कौन सा पार्ट था ना, डबल धमाल था या धमाल था, उसके अंदर बहुत सारी मूवी है। और मैं दा ऐप की बात कर ही रहा था, दा ऐप के अंदर पूरा ऐप का साम्राज्य दिखाया गया है, ठीक है। सो आप अगर चाहें तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड ये तो हो गया जनरल वेट। अगर माउंटेन गोरिल्ला की बात करें तो उसके अंदर वेट समथिंग होता है 135 से कितना होता है 220 तक, 135 to 220 kg, क्लियर, ये मैं बात कर रहा हूँ माउंटेन गोरिल्ला की। चलिए अब अगर हैबिटेट की बात करें, सो फ्रेंड द हैबिटेट ऑफ ग्रेट एप्स
and lesser apes are very limited. Okay, the great ape live in Africa and Asia according to the National Geography. Sorry, National Geology. Clear? And they tends to live in jungles, है ना, mountain area and savannas. So सभी को पता है ना, कहीं किसी ने घर में तो नहीं पाल रखा है ना. चलिए, so friend, leisure ape live in Asia in evergreen tropical rainforest and monsoon forest. Okay, समझ में आ गया डिफरेंस कि जो लेशर ऐप है और जो ग्रेट ऐप है उसके अंदर क्या डिफरेंस है? समझ में आ गया ना, कहाँ पे रहता है और उसका जो मतलब कहाँ पे और कैसे. ठीक है, ओके. एंड फ्रेंड्स, सिमेंक्स प्रीफर टू लिव 80 to 100 फीट इन द एयर इन द ट्री फाउंड इन मलेशिया एंड इंडोनेशिया. क्लियर? एंड फ्रेंड्स, इनके कुछ जो फैक्ट है, मतलब जो फैक्चुअल चीजें हैं वो हमें जान लेनी चाहिए. ओके, अब जो ड्यूरिंग डे है, मतलब डे के टाइम पे क्या करते हैं ऐप फैमिली? ईट करते हैं, प्ले करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ना. सो ड्यूरिंग द डे ऐप फैमिली ईट, प्ले एंड प्रोटेक्ट ईच अदर. ओके, एंड एट द नाइट दे स्लीप इन द नेस्ट मेड फ्रॉम द ब्रांचेस और फॉलीज ऑन द ग्राउंड और इन द ट्री. क्लियर? मतलब वही ह्यूमन बींग वाला एक नेचर आप कह सकते हैं. क्लियर? उससे कहीं डिफरेंस तो नहीं है, है ना? ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है ना कि भाई ये थोड़ा सा हटके है ह्यूमन बीइंग से. ओके, चलिए. सो फ्रेंड, मोनोगैमी क्या होता है जरा जल्दी से बताइए कमेंट्स के द्वारा. फ्रेंड्स, अगर ऐप की बात करें तो ये हर्बीवोरस होता है फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट, एंड बट दे ऑल्सो मे ईट स्मॉल एनिमल्स और बग्स टू सप्लीमेंट देयर डाइट, है ना. वो जरूरत के हिसाब से चलता है. जैसे कि आप ह्यूमन बींग को देखते हैं कि बहुत सारे तो वीगन डाइट लेते हैं, बहुत सारे कार्निवोरस हैं, बहुत सारे ओमनिवोरस हैं, ना. और हर्बीवोरस में कंक्लूड कर सकते हैं जो मतलब जो दूध पीते हैं आप उनको हर्बीवोरस कह सकते हैं. ठीक है, मतलब वैसे तो अगर आप कहें तो वो फिर अलग कैटेगरी हो जाएगी और उसको आप ज्यादा विस्तार में ना जाएं यहाँ पे, है ना. कहीं और पॉइंट आएगा तो वो डिस्कस कर लेंगे. हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, इंसेक्टिवोरस और ये सारी चीजें होती है. लेकिन अब आप यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जो ऐप है वो हर्बीवोरस होता है और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो छोटे एनिमल्स को भी खा लेता है. क्लियर? अब अगर इसकी ऑफस्प्रिंग की बात करें, सो जस्ट लाइक ह्यूमन, है ना. सो एप हैविंग ऑफस्प्रिंग मच लाइक ह्यूमन. फ्रेंड्स, अब अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें कि गेस्टेशन पीरियड इसमें कितना होगा, गेस्टेशन पीरियड ह्यूमन बींग के अंदर कितना होता है? 9 मंथ, है ना. सो यहां पे भी ऐसा ही कुछ है, 8.5 to 9 मंथ. क्लियर? सो 8 से 8.5 मंथ आप कह सकते हैं, 8 to 8.5 months. इज दैट क्लियर, है ना. सो अब इनकी जो एक मैच्योरिटी है वो किस स्टेज पे आती है, यानी कि सेक्सुअल मैच्योरिटी. ठीक है, सो ये आएगी 12 टू 18 ईयर्स में दे बिकेम अडल्ट, और यू कैन से दे फुल्ली डेवलप्ड देयर सेल्फ. ओके, सो ये हो गए कुछ बेसिक्स कह लीजिए या फिर कुछ फैक्ट्स कह लीजिए ऐप के. ओके, अब अगर इनको क्लासिफाई करना हो आपने, सो क्लासिफिकेशन में कुछ नहीं है, ऑर्डर तक आप सभी जानते हैं, है ना. और ऑर्डर तक जानते हैं तो फिर आप आगे जान के करेंगे क्या, है ना. चलिए एक सब ऑर्डर लिख लीजिए. सब ऑर्डर होगा इसका यू कैन से हैप्लोरिहिनी, HAPLORRHINI. क्लियर? और उसके बाद इंफ्रा ऑर्डर सिमीफॉर्म्स, SIMIIFORMES, सिमीफॉर्म्स. एंड सुपर फैमिली की अगर बात करें तो होमिनोइडिया, HOMINOIDEA. क्लियर?
ये क्या हो गया सुपर सॉरी सब ऑर्डर, और ये हो गया इंफ्रा ऑर्डर, और ये हो गया सुपर फैमिली। क्लियर, ये हो गई इसकी क्लासिफिकेशन, आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। और बाकी जो है वो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा गिबन्स के अंदर, ऑगेंटियन के अंदर, है ना। सो चलिए डिस्कस करते हैं, पहला आता है अपने पास गिबन्स। फ्रेंड्स गिबन्स को आप देख रहे हैं, ये जस्ट लुकिंग लाइक यू कैन से ह्यूमन बींग, है ना, जस्ट ऐसा ही लगेंगे अब सारे के सारे जो आएंगे। मतलब आप कह सकते हैं कि ऐप जो है वो नियरेस्ट है ह्यूमन बींग के नज़दीक, है ना। चलिए पहले इसके जो स्पीसीज हैं वो डिस्कस करते हैं और फिर इसके जो फीचर हैं वो डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड पहली स्पीसीज है और जिसका कॉमन नेम जो है वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। सो पहली स्पीसीज है अपने पास हाइलोबेट्स ला। सो हाइलोबेट्स ला की कॉमन स्पीसीज मतलब सॉरी कॉमन नेम हो जाएगा व्हाइट हैंडेड गिबन, WHITE व्हाइट HANDED ZIBBONS। गिबन्स को मैं जी से रिनोट कर देता हूं, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है एच एजिलिस। अब जो हाइलोबेट्स है उसको हमने एच से डिनोट कर दिया है, सो ये है डार्क हैंडेड, DARKHANDED जी, ओके। एच कॉनकलर, सो ये ब्लैक गिबन है, BLACKG, ठीक है, गिबन को जी से डिनोट कर रहा हूं। और नेक्स्ट आता है एच ल्यूकोजेनिस। सो एच ल्यूकोजेनिस का कॉमन नेम है व्हाइट चिक्ड गिबन, WHITECHEED व्हाइट चिक्ड गिबन। एंड नेक्स्ट एच गैब्रिली। सो एच गैब्रिली हो गया अपने पास क्रेस्टेड गिबन, CRESTED GIBONS। सो मैं इसको जी से डिनोट कर रहा हूं। नेक्स्ट है एच म्यूलेरी। सो एच म्यूलेरी का कॉमन नेम क्या है, इसको आप कह सकते हैं बोरियन, ठीक है, बोरियन गिबन, BORNEAN बोरियन गिबन। क्लियर, ठीक है, छह स्पीसीज हो गई, है ना। सेवन स्पीसीज है हाइलोबेट्स पिलेटस, सो वही आप इसको एच से डिनोट कर सकते हैं फर्दर, है ना। सो हाइलोबेट्स क्या है, पिलेटस, इसको आप कह सकते हैं कैप्ट गिबन, CAPPED ZIBBON। क्लियर, अब मैं गिबन को फिर से जी से डिनोट करूंगा। एंड नेक्स्ट आता है एच हॉलोक, यू कैन से एच हॉलोक, ठीक है। सो एच हॉलोक का कॉमन नेम व्हाइट ब्राउड गिबन, WHITEBROWED व्हाइट ब्राउड गिबन। क्लियर है यहां तक, जस्ट ए सेकेंड, BRO का एक O हटा लीजिए, है ना, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, BROWED। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आता है अपने पास H क्लॉसी। सो इसके दो नेम हैं, चाहे तो आप क्लॉस गिबन लिख सकते हैं, KLOSS गिबन, और मतलब ये आपको थोड़ा सा याद करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट अगर नेम लिखना चाहें इसका तो आप कह सकते हैं मेंटावाई, ठीक है, MENTAWAI, ओके। नेक्स्ट स्पीसीज है एच मॉल्च। सो एच मॉल्च का कॉमन नेम क्या होगा, सिल्वरी गिबन, SILVERY गिबन, ओके। और इसको आप कह सकते हैं सियामैंग, है ना, और इसके बारे में हमने कुछ पॉइंट पर डिस्कस किए थे ना। चलिए साइंटिफिक नेम क्या है, H सिंडक्टाइलस, ठीक है। सो H सिंडक्टाइलस का कॉमन नेम क्या होगा, SIAMANG साइमैग।
सो सभी के कॉमन नेम आपको पता लग गए, है ना। चलिए फ्रेंड्स, अब जो गिबन है हम उसको क्या कहते हैं, मतलब इसका अगर पूरे का एक कॉमन नेम अगर देना हो तो क्या कॉमन नेम होगा? आप इसको लेसर एप कह सकते हैं, LESSERAPES, क्लियर कह सकते हैं ना। चलिए फ्रेंड्स, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है अगर ऐसा कुछ पूछा जाए आपसे, तो आप पॉइंट मेंशन करेंगे कि ये साउथ ईस्ट एशिया है ना, साउथ ईस्ट एशिया कह सकते हैं, इसके अलावा इंडिया, और इंडिया में कहाँ मिलेगा आप कह सकते हैं कि आसाम, ओके। एंड नेक्स्ट हो जाएगा बर्मा से लेके चाइना तक, BURMA, बर्मा टू चाइना। और इसके अलावा अगर एक और बता दीजिए, कुछ जो पार्ट है वो इंडोनेशिया का भी हो जाएगा, इंडोनेशिया, क्लियर। सो ये हो गया कि भाई ये कहाँ पे मिलता है, ठीक फ्रेंड्स। अब ये जो शब्द है हाइलोबेट्स, हाइलोबेट्स का मीनिंग क्या है? हाइलोबेट्स का मीनिंग है ट्री वॉकर, TREWALKER, क्लियर। अब समझ में आ गया कि सभी के जो नाम है उसके आगे क्या लगा हुआ, हाइलोबेट्स। सो ऑल आर ट्री वॉकर, क्लियर। सो अब आप एक कह सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, बर्मा से लेके चाइना और इंडोनेशिया। और अगर कोई ऐसा पूछे कि कहाँ, मतलब ये तो हो गया एक स्पेसिफिक रीजन है ना, लेकिन उसमें कहाँ, सभी को पता है कि फॉरेस्ट में होंगे, और फॉरेस्ट में भी आप कह सकते हैं कि घना जंगल है ना, सो थिक फॉरेस्ट यू कैन से, क्लियर। और हाइलोबेट का कोई मीनिंग पूछता है तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं, क्लियर। सो फ्रेंड, अब ट्री वॉकर तो कह दिया, लेकिन ये कहाँ पे रहते हैं, मतलब ट्री पे भी रहते हैं और ग्राउंड पे भी रहते हैं। सो एंटायरली आर्बोरल हैं, बट रेयरली कम डाउन टू द ग्राउंड यू कैन से, ओके। सो अब अगर इनकी आर्म्स की बात करें, सो दीज आर लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर देन द लेग्स एंड आर यूज फॉर स्विंगिंग अंडर द ब्रांचेज इन द पर्स्यूट ऑफ fruits and tender leaves, okay, and swift mover on the tree as they are, and they can leap a distance of 10 meter with ease and are known to change their direction in the mid air, clear। क्या कुछ समझ में आया कि जो distance है, मतलब कितनी छलांग लगा सकते हैं, 10 meter, clear, okay, और हवा से ही, मतलब बीच रास्ते से ये वापस भी आ सकते हैं, दे हैव द कैपेबिलिटी, क्लियर। और अगर बात करें कि ये कैसे हैं, हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, सो जब ऐप के बारे में हमने डिस्कस किया था तो उसमें क्या पॉइंट डाला था कि ये मोस्टली हर्बीवोरस है, है ना, और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये स्मॉल एनिमल्स को ईट कर लेते हैं कभी कभी। सो जो गिबन्स है वो ऐप का पार्ट है, तो आप क्या लिखेंगे, दीज आर द हर्बीवोरस, है ना, एंड वेरी नोइजी and emitted loud calls that are quickly responded to by the other, clear। बड़ा शातिर है, अपनी आवाज से जो दूसरे जो साथी हैं उनको अपने पास बुला लेता है, मतलब खुद को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इस लाउड वॉइस की वजह से, क्लियर, ओके। एंड फ्रेंड्स, दैट इज एन एफिशिएंट वे टू कम्युनिकेट इन द डेंस फॉरेस्ट यू कैन से, क्लियर। घने जंगल में अगर कोई व्यक्ति जाके वहां पे आवाज लगाए, सो वो गूंजेगी और मतलब ज्यादा दूर तक नहीं जाने वाली, है ना, लेकिन इनकी जो आवाज है वो इतनी लाउड है कि एक क्विक रिस्पोंड मिलता है इनके साथियों से, क्लियर। एंड फ्रेंड्स, दे डू नॉट कंस्ट्रक्ट नेस्ट बट स्लिप हिडन अमोंग डेंस फोलियज, क्लियर। और जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो होती है 100 cc, क्लियर।
ये सारे पॉइंट्स थे गिबन्स के बारे में, क्लियर। गिबन्स की स्पीसीज हमने डिस्कस की, उसके कुछ जो फीचर हैं और मतलब क्या कुछ इसके अंदर होता है, कैसे कैसे ये काम करता है ना, कहाँ पे रहता है, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। ओके, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। सो फ्रेंड, नेक्स्ट है अपने पास ऑरंगुटन, या फिर कह सकते हैं ऑरेंजुटन, ठीक है। सो इसका एक मीनिंग है मलाया लैंग्वेज में, आप कह सकते हैं मैन ऑफ द वुड, क्लियर, मैन ऑफ द वुड्स। सो ये जो मीनिंग है क्या सिंबलाइज कर रहा है, क्या कुछ डिनोट कर रहा है? एक चीज तो क्लियर है कि ये फॉरेस्ट में रहेगा, क्लियर। सो अब अगर बात करें कि मोस्टली कहाँ पे मिलेगा, तो दो आइलैंड हैं इंडोनेशिया के, ठीक है, INDONESIA, इंडोनेशिया के दो आइलैंड हैं, क्या नाम है, सुमात्रा और बोर्नियो, ठीक है। पहला कौन सा है, सुमात्रा, और दूसरा है BORNEO, क्लियर। ये आपको याद रखने हैं और मतलब एक एक्सक्लूसिव हो गया ये, क्लियर। और इसका मीनिंग आपको पता लग गया, क्या मीनिंग है, मैन ऑफ द वुड्स, क्लियर। अब अगर इसकी हाइट की बात करें या लेंथ की बात करें, सो इट इज अबाउट 5 feet टॉल, क्लियर है, है ना। एंड फ्रेंड्स, जो इसकी आर्म है, आर्म कितनी होंगी, अबाउट 2.5 मीटर, क्लियर। एंड जो बॉडी है वो आप देख रहे हैं किससे कवर है, फर है इसके पास, है ना। इसके अलावा क्या कुछ है, मतलब फर का जो कलर है वो कैसा है, शेगी महोगनी रेड, ठीक है, SHAGGY, शाही, सॉरी सेगी महोगनी रेड फर, ठीक है। अगर पूरा नाम ये लिखना हो तो मतलब थोड़ा सा ये होगा एग्जामिनर को कि आपको इसके बारे में सारा कुछ पता है, क्लियर। एंड फ्रेंड्स, द लार्जेस्ट मेल ऑफ दैट कैटेगरी वे अप टू 100 केजी एंड हैव गॉइटरी इन द नेक, और यू कैन से गॉइटर इन द नेक एंड फैटी चीक स्वेलिंग, ओके। एंड फीमेल एंड मोस्ट यंग मेल वे हाफ ऑफ दैट, क्लियर। यानी कि जो यंग वन है इनके और जो फीमेल है उनका वेट जो लार्ज मेल है उससे हाफ होता है, क्लियर, क्लियर, ओके। अब मोस्टली जो एप थे वो आर्बोरल भी थे और टेरेस्ट्रियल भी थे, है ना। पिछले वाले में क्या था कि वो आर्बोरल था लेकिन कभी कभी ग्राउंड पे भी आता था, बिकॉज सॉरी, बट ये जो ऑगेंटन है ये कंप्लीटली आर्बोरल होगा, क्लियर, एंड मूव क्लम्सली ऑन द ग्राउंड। डिफरेंस पता लग गया दोनों के बीच में। एंड फ्रेंड्स, दे आर सॉलिटरी इन नेचर एंड कमिंग टुगेदर ओनली फॉर ब्रीडिंग, मतलब आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा मतलब ही है, ठीक है, ओके। एंड फ्रेंड्स, जो मेल है यानी कि जो मेल ऑगेंटन है, दैट शेयर्स नो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियर, जैसे आप कह सकते हैं कि लापरवाह, क्लियर। एंड द स्लीप इन ए प्लेटफॉर्म लाइक नेस्ट मेड ऑफ ऑफ स्मॉल ब्रांचेस इन द फॉर्क ऑफ ट्रीज, क्लियर। और अगर क्रेनियल कैपेसिटी की बात करें सो वो इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। पिछले वाले में 100 सीसी थी और यहां पे 375 सीसी है, समझ में आ गया, है ना। अब ऑगेंटन का
साइंटिफिक नेम आपसे कोई पूछे, सो क्या लिखेंगे? फ्रेंड्स, ऑगेंटन का साइंटिफिक नेम आप कह सकते हैं पोंगो पिग्मियस, ठीक है, लिख लीजिए POMZO, पोंगो PYZMAEUS, ठीक है, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट आता है अपने पास गोरिल्ला, ओके, मतलब अब धीरे 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 ह्यूमन बीइंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक थोड़ा 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 चेंज आता चला जाएगा। और कैसे ह्यूमन बीइंग का ओरिजिन हुआ वो चीज आपको एक अलग से यूनिट है वहां पे बताऊंगा, ओके, इवोल्यूशन में भी बताऊंगा और जो फिजियोलॉजी पढ़ेंगे वहां पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ओके। सो अब आता है अपने पास गोरिल्ला, और गोरिल्ला का अगर साइंटिफिक नेम लिखना हो तो दो बार गोरिल्ला लिख दीजिए, ठीक है, लिखिए GORILLA, ठीक है, हो गया गोरिल्ला गोरिल्ला। या फिर स्पेसिफिकली लिखना हो सो GOR, जस्ट ए सेकेंड, GORILLA, गोरिल्ला ब्रेंगी, BERENZEI, क्लियर है ना, समझ में आ गया? जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, GORILLA, ठीक है। सो फ्रेंड, गोरिल्ला की अगर बात करें तो ये कहाँ पे मिलेगा मोस्टली, और ये कैसा होगा, है ना, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो एक इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, या फिर एक फीचर कह सकते हैं, या फिर इसका कुछ भी कह लीजिए, है ना, सो दे आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल ऐप, क्लियर, ये इसका एक एक्सक्लूसिव पॉइंट हो गया, क्लियर। अब अगर बात करें कि ये रहता कहाँ पे है, है ना, सो सभी को पता है कि ये फॉरेस्ट में रहेगा, है ना, घर में तो कोई पालने वाला है नहीं, है ना, और मूवीज में भी दिख जाते हैं बहुत बार, जैसे कि द एप है उसके अंदर, और अगर धमाल पता नहीं कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर ही होगा शायद, सो उसके अंदर भी शायद है, या फिर फर्स्ट पार्ट के अंदर, मेरे को इतना ध्यान नहीं है। लेकिन अब बात करें फॉरेस्ट में, सो फॉरेस्ट में कहाँ कहाँ के फॉरेस्ट, कैमरून हो गया, गैबोन हो गया, कॉन्गो और युगांडा, क्लियर। सो पहला कौन सा, CAMERON, कैमरून, दूसरा गैबोन, तीसरा कॉन्गो और चौथा युगांडा, ठीक है। सो ये वही है जो थ्री इडियट के अंदर वो साइलेंसर बोलता है, युगांडा, ओके। एंड फ्रेंड्स, एज यू नो दे आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल, सो अब इसका वेट कितना होगा, वेट होगा अप्रोक्सीमेटली 200 kg। सो जब 200 kg वेट है तो हाइट कितनी होगी, अबाउट 6 feet, क्लियर है ना। और कलर कैसा होगा, दिख रहा है आपको, ब्लैक, ओके, क्लियर, ब्लैक होगा। उसके साथ साथ कुछ कह सकते हैं कि इसका जो लुक है वो कैसा होगा, स्पोर्टिंग फिरोसियस, क्लियर, SPORTING, स्पोर्टिंग, FEROCIOUS, ठीक है, स्पोर्टिंग फिरोसियस। सो फ्रेंड, अब ये टेरेस्ट्रियल है कैसा है, आर्बोरल है कैसा है, दिखाई दे रहा है कि मतलब इतना जब भारी शरीर है, 200 केजी के आसपास वेट है और 6 फीट की हाइट है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ट्री ही इसको झेल ले, है ना, कि ये 2400 घंटे ट्री पे ही रहे, ऐसा नहीं हो सकता। सो दे आर द टेरेस्ट्रियल एंड वेजिटेरियन, ठीक है, नॉन वेज को हाथ नहीं लगाता है, वेजिटेरियन है कि
क्योंकि ये इसकी जो फीडिंग है वो किस पे होती है, मेनली ऑन द लीव्स एंड ग्रास, एंड स्पेंड नाइट इन द नेस्ट मेड ऑफ ब्रांचेस इधर ऑन द ग्राउंड और ऑन द ट्रीज। ठीक है, ट्री पे जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो टाइम है वो ग्राउंड पे ही बिताएगा। ओके, चलिए। एंड फ्रेंड्स, जो ओल्ड मेल होते हैं, यानी कि ओल्ड मेल गोरिल्ला, उनकी जो आप कह सकते हैं कि सिल्वर बैक्स होते हैं। ठीक है, सो ओल्ड मेल आर कॉल्ड सिल्वर बैक्स एज दे हैव सिल्वरी ग्रे हेयर ऑन द बैक। अब इसी को ह्यूमन बीइंग से रिलेट कीजिए कि जैसे यंग वन, यानी कि एक छोटा बच्चा है 1 से 2 साल का, बिल्कुल जो हेयर्स होते हैं वो बिल्कुल ब्लैक होते हैं। ठीक है, और धीरे 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 करके जैसे वो 70-80s की तरफ जाता है तो कलर कैसा होता चला जाता है, व्हाइट, है ना। तो इसी तरीके से जो जितने पुराने होंगे उनके जो हेयर्स हैं उतने ही सिल्वरी ग्रे होंगे, किसके अंदर, गोरिल्ला के अंदर। ठीक है, सो इस तरीके से रिलेट करके चलिएगा हर एक पॉइंट को। अब शुरुआत में हमारे पास 100 cc की क्रेनियल कैपेसिटी ही थी, फिर 300 से ज्यादा यानी कि 350 के आसपास, और यहाँ पे जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो कितनी होगी, यहाँ पे क्रेनियल कैपेसिटी होगी 490 cc। क्लियर। एंड फ्रेंड्स, गोरिल्ला जो है वो सोशल है ना, बिकॉज दे लिव इन ग्रुप विच आर लीड बाय द डोमिनेंट सिल्वर बैक मेल्स, है ना। जो सबसे ज्यादा वृद्ध होगा वो उस ग्रुप को लीड करेगा, वो उनका लीडर होगा, है ना, सबसे बड़ा गोरिल्ला इनका लीडर। एंड द अदर मेंबर फॉलो हायरार्कियल रैंकिंग। अब देखिए, ह्यूमन बीइंग से भी स्मार्ट है ना, मतलब ये भी वही ऑर्डर फॉलो करते हैं कि जैसे बड़े वाले की डेथ हुई उसके बाद जो नेक्स्ट है वो उस ग्रुप को लीड करेगा। सो इंटेलिजेंट है ना, वेट भी ज्यादा है, हाइट भी ज्यादा है और पावर भी ज्यादा है इसके पास। ओके, सो क्रेनियल कैपेसिटी और बाकियों से तो ज्यादा ही है ना। अब बात आती है अपने पास चिंपैंजी की। चिंपैंजी के अंदर जो क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ेगी या घटेगी, चलिए डिस्कस करते हैं वहां पे। फ्रेंड्स, चिंपैंजी के अंदर दो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। एक तो डिस्कस होगा चिंपैंजी जो कॉमन है या फिर जनरल कह सकते हैं, ठीक है, और दूसरा होगा बोनोबो। और बोनोबो आपको समझ आ रहा होगा कि ड्वार्फ चिंपैंजी है। हम छोटे व्यक्ति को क्या बोल देते हैं, बोना बोल देते हैं, है ना। तो उस शब्द से रिलेट कीजिए इसको, बोनोबो, ड्वार्फ चिंपैंजी। ओके, सो चिंपैंजी का साइंटिफिक नेम क्या होगा, साइंटिफिक नेम होगा इसका पैन ट्रोग्लोडाइट्स, पैन ट्रोग्लोडाइट्स, PANTROGLODYTES। क्लियर है ना। अब बात आती है कि ये मिलेगा कहां पे। पहला तो होगा जायरी के अंदर, दूसरा युगंडा में, तीसरा तेंजेनिया, ZENIA, है ना, और इसके अलावा आप लिख सकते हैं कॉन्गो में भी मिल जाएगा। ठीक है, कॉन्गो के जंगल आपने सुने होंगे, है ना। और इसके अलावा चलिए इतना बहुत है कि ये जो चार आप याद रखें। ओके, तेंजेनिया को थोड़ा सा अलग से लिख लेते हैं, जस्ट ए सेकेंड, TANZANIA, तेंजेनिया। ठीक है, चार याद रखने हैं मोस्टली आपको। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बोनोबो की। ठीक है, और बोनोबो को हमने क्या कहा, ड्वार्फ है ना, ड्वार्फ चिंपैंजी। चिंपैंजी को मैं सी से डिनोट कर रहा हूं। सो इसका भी कुछ साइंटिफिक नेम है, पेन तो वही सेम रहेगा, पेन पेनिस्कस, PANISCUS। ठीक है, ये हो गया इसका साइंटिफिक नेम। एंड ये
एक्सक्लूसिवली मिलेगा कहाँ पे? साउथ कॉन्गो रीजन में, SOUTHCONGO। क्लियर है ना? चिंपेंजी और यहाँ पे डिफरेंस आपको पता लग गया है ना। चलिए, सो भाई इसको भी कुछ दे दो, ये कुछ मांग रहा है ऐसे हाथ करके है ना। चलिए फ्रेंड्स, अब अगर इसके कलर की बात करें, सो दे आर ब्लैक और डार्क ब्राउन इन कलर है ना, कलर मैच कर रहा है। चलिए, एंड फ्रेंड्स जो इसकी हाइट है, मतलब ये कितना टॉल होगा, इट इज अबाउट 5 फीट टॉल विद आर्म्स एंड लेग्स ऑन द सॉरी आर्म्स एंड लेग्स ऑफ द सेम लेंथ। क्लियर? मतलब जितनी हाइट उतने ही हाथ और पैर होंगे इसके, है ना, उतने मतलब बराबर। सो फ्रेंड यू कैन से बोनो इज 1/3 ऑफ कॉमन चिंपेंजी, मतलब चिंपेंजी की जितनी हाइट है उससे 1/3 बोनोबो की है। क्लियर? और बोनोबो डार्कर है कलर में। क्लियर है यहां तक? ओके। अब अगर इसकी बात करें सेक्सुअल मैच्योरिटी की, सो वो कितने साल में आती है? 7 to 8 years। क्लियर? एंड फ्रेंड्स दे आर ब्रेकिएटर्स, स्विंगिंग ऑन ट्री ब्रांचेस एंड वेरी प्लेफुल एंड एक्सट्रीमली नोइजी। मतलब अगर इन सिंपल वर्ड्स कहें, आप सिर्फ सिर्फ साधारण भाषा में कहें, तो बड़े उत्पादी हैं है ना, और शोर मचाने वाले बच्चे हैं। क्लियर? सो जस्ट रिलेट कीजिए हर एक पॉइंट को। एंड फ्रेंड्स दे डिफेंड देमसेल्फ बाई स्क्रीमिंग, जंपिंग, थम्पिंग ग्राउंड एंड थ्रोविंग स्टोन्स एंड स्टिक्स। बदमाश भी है ना, पत्थर भी फेंकते हैं और जो डंडे हैं ट्रीज के वो तोड़ के वो भी फेंक देते हैं, अगर इनके साथ कोई छेड़खानी करता है। मतलब ये अपने आप को डिफेंड करते हैं इस तरीके से। क्लियर? सो चिंपेंजी आर ओमनिवोरस एंड समटाइम हंट स्मॉल मंकी एंड शेयर देयर फ्लैश। चिंपेंजी छोटे मंकीज को भी खा लेते हैं कभी कभी, मतलब रिक्वायरमेंट के बेसिस के मतलब रिक्वायरमेंट जो है इनकी उसके हिसाब से ये चलते हैं। सो क्रेनियल कैपेसिटी की अगर बात करें, सो क्रेनियल कैपेसिटी 100 से 350 पे आई, और 350 से कितने पे, लगभग 490 पे आया है ना। अब क्या इसकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होगी, घटेगी या बढ़ेगी? डिक्रीज होगी। ओके, इट इज अबाउट 365 cc है ना। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जितना बदमाश उसका उतना दिमाग कम चल रहा है। क्लियर? सो पूरा कुछ समझ में आ गया है ना। ऐप और मंकी, मंकी के अंदर तो दो ही थे, न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड। और यहां पे हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? गिबन्स पढ़ लिया है ना, ऑंगटन पढ़ लिया, गोरिल्ला पढ़ लिया, चिंपेंजी पढ़ लिया और ड्वार्फ चिंपेंजी पढ़ लिया। तो दो क्वेश्चन पूछे थे मैंने शुरुआत में आपसे, उनके आंसर कर देते हैं अब फटाफट है ना। पहला क्या था, शायद थायराइड कार्टिलेज से रिलेटेड था है ना। सो एक सेक्शन बनाते हैं यहाँ पे जिसके अंदर मेंशन करेंगे पॉइंट। सो फ्रेंड पहला क्वेश्चन क्या बताया, थायराइड कार्टिलेज। ओके, TH-YRO-ID थायराइड कार्टिलेज, ये कहाँ पे मिलता है? मैमल्स के अंदर ये मिलेगा, मतलब कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लैरिंग्स के अंदर, LARYNX। लैरिंग्स और फेरिंग्स तो आपने सुने होंगे है ना। सो वही है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था पॉलिएस्टरस मैमल, PolyesterUS। पॉलिएस्टरस मैमल मीन्स दे हैव मैनी सेक्सुअल सीजन इन द ईयर। क्लियर? सो एग्जाम्पल क्या होगा, किसी ने कुछ
आइडिया लगाया कि क्या कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं? सो इसका एग्जाम्पल होगा, जैसे कि आप कह सकते हैं रेट हो जाएगा, गोट और शीप, ठीक है, और इवन आप मैन को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। सो पहला एग्जाम्पल शीप, गॉट, रेट एंड मैन, क्लियर। चलिए, सो सारा कुछ हो गया है ना, प्राइमेट्स कंप्लीट। सो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव एन ऑसम डे।